सही से तय कर, अच्छे अच्छे सूट निकाल के रखना वहां पे। अम्मा कितना मजा आएगा ना। तो भी तय कर ले। कहां जाने की तैयारी हो रही है अम्मा? अरे बेटा, हमने ये सोचा कि हुमा की रुखसती तक मेहताब भाई के घर शिफ्ट हो जाए। और हाँ, जरा सभा को उसके मैके छोड़ देना, अच्छा थोड़ी लगता है कि इतनी पलटन लेके पहुंच जाए मेहताब भाई के घर। लेकिन क्यों, वहां जाने की जरूरत क्या है आपको? अरे भाई बता रही हूँ, सुन तो लो, मेहताब भाई ने हमें खुद बुलवाया है अपने घर। हाँ, और पता है पूरी शादी का खर्चा भी उठा रहे हैं, और वो भी अपने घर में। तो मैं मर चुका हूँ क्या? अपनी बहन के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? अम्मा इतना हल्का मत लें आप मुझे। अम्मा ये लड़की इस घर से रुखसत होगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा फर्ज बनता है और मेरा हक भी बनता है, और मैं इस हक को लाजमी इस्तेमाल करूंगा, सुन ले आप। साजिद, पूरा मानने की क्या बात है, इतना जज्बाती हुए जा रहा है। वो बेचारे और क्या चाह रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं कि सबको इकट्ठा कर लिया जाए अपने घर में। अब ये सोचो, उन्होंने अपनी बहन हाजरा को नहीं बुलाया, और ये उन्होंने मुझे मुझे कहा है, और तेरी बहन के लिए तो कर रहे हैं इतना सब कुछ। हाँ अम्मा, बस आपको तो एक ही मसला है, आप सारी जिंदगी हाजरा मोमानी से सिर्फ मुकाबला करते रहे और बस। और वो जो आपके मेहताब मामू है ना, वो बड़े होंगे, वो उस घर में होंगे, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लड़की इसी घर से रुखसत होगी, इसके जहेज का सारा सामान मैं अपनी कमाई से खरीदूंगा। अम्मा इतना हल्का मत लें आप मुझे। अरे भाई, अरे बैठ जा, मेरी बात को समझ। साजिद, वो बेचारे क्या चाह रहे हैं, बस यही ना कि सबको इकट्ठा कर लिया जाए, हैं, और सबकी खुशी देखना चाह रहे हैं, और बेचारे क्या चाह रहे हैं। लेकिन अम्मा, चलो मैं मान लेता हूँ इस बात को कि वो खानदान को इकट्ठा करें, लेकिन आप क्या कर रही हैं? क्या सबा इस घर का हिस्सा नहीं है? क्यों निकाल रही है उसको इस घर से? कम से कम उसको इस घर में तो रहने दे, आप नहीं लेकर जा रही, उसे मत लेकर जाएं, बीवी है वो मेरी। साजिद, क्या चाह रहा है तू? मैं अपना घर उसके हवाले करके जाऊंगी? नहीं, ऐरा गैरा नत्तू खराब के हवाले करके चली जाऊं अपना घर? एक एक तिनका जोड़ के बनाया है, ऐसे नहीं देकर जाऊंगी। और हाँ, एक एक चीज पर ताला डाल के जाऊंगी, ये सुन लेना। जल्दी कपड़े तय कर। वो तुम लोग मुझे इस हुलियो में लेके जाओगे तो सोमी और मेहताब भाई बहुत खफा होंगे। पोपो, इस बात की आप फिक्र ना करें, ये मेरा काम है, वैसे भी शादी तो घर में, कोई खफा क्यों होगा भला। हाँ, सभी को इनवाइट किया है हमारी तरफ से। आप मेहताब, देखो बेटा, वो शादी का घर है और तुम्हें इस हालत में अपना ख्याल खुद रखना है, सुना तुमने? ये मेरी एक भी बात नहीं मानती, इतना मना करता हूँ इसको, पर इसको काम करने का इतना शौक है। अच्छा, आप प्लीज ये गाड़ी में रहते हैं, मैं और अम्मी बस आ रहे हैं। जैसा आप कहोगे। चलें अम्मी, अब मैं आपके कोई नखरे नहीं सुनूंगी, प्लीज चलें, घर को लॉक करें और हमारे साथ चलें। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, अपनी जरूरत का कुछ सामान तो उठा लूं, एक तो मैं तुम्हारी जिदों से बहुत परेशान हूं।
लगता है अम्मी कहीं दूर गई हैं। हाँ वरना ताला नहीं लगा होना चाहिए था यहाँ। मैं पता करता हूँ। रुके मैं कॉल करके खुद ही पता करती हूँ। हाँ ये अच्छा। मम्मी कॉल नहीं उठा रही हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हो सकता है मोबाइल घर पर ही भूल गई हूँ। और मुझे तो वैसे भी लगता है यहाँ पर ही होंगी, मार्केट में ही हूँ। हमें तो आपकी अम्मा जान ने भी घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? एक तो तुम औरतें भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेती हो। हमेशा के लिए नहीं निकाला तुम्हें, चंद दिनों के लिए यहाँ पर भेजा है। हमने वापस अपने घर ही जाना है। बैठो गाड़ी में। हेलो रेहाब, तुम्हें अम्मी का कुछ पता है? काश तेरे अब्बा जी भी इस शक्ल के आदमी होते। उफ तौबा। अम्मा अब बस मुझे यहाँ से नहीं उठाना। हाँ क्यों, ससुराल जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं ना, मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे। हर आते जाते इंसान पे नजर पड़ती है, किचन भी करीब है और टीवी भी। तौबा। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम। देखो मुझे मालूम था कि ये कलमुई यहाँ भी आ जाएगी। हाँ भाई क्या करें, बेचारी की अम्मा भी तो यहीं पे, आना तो था उसने। हाय कब जान छूटेगी इशरत बानो तेरी, जहाँ जाती हूँ ये बलाएं पीछा करती नजर आती हैं। ये दोनों तो ऐसे यहाँ पर आकर बैठ गए हैं जैसे इनके दादा के घर हो। मेरे हाँ बीबी के पास ले चलो। अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान हो? या तो बैठ जा या चला जा बीबी के पीछे। बीबी के पीछे जा रहा हूँ। काश के इसके अब्बा भी ऐसे होते। क्या क्या पता है, अंधी नहीं हूं मैं, देख उसको। ए, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खाना खा ले फिर कपड़े बदल ले, कहीं से तू लग नहीं रही है कि माइयों वाली दुल्हन है तू। खिला दो ना, खुद खा ले। एनी बिना कितनी देर लगा दी, मैं लोगों से कैसे अकेले डील करूंगी। कॉल करती हूँ। रिस्पॉन्स। ये ले अम्मी, आप खाना खा लें। अरे हाँ, तुम यहाँ खाना क्यों लेकर आ गई हो? हाँ सब मिलके साथ खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप यहीं खा लें अम्मी, शायद मामू और पप्पू को आपकी मौजूदगी काटने लगी। मगर अम्मी प्लीज ना खा लें, अब मैं ले आई हूँ खाना आपके लिए। अफसोस की बात है, तुम मुझे क्यों लेकर आई बेटा, जब यहाँ किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, रहने देती वहां अकेले मुझे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, क्यों आप मेरे दिल को जला रही हैं इस तरह? और वैसे भी हैदर हमसे मुखलिस है, और क्या चाहिए हमें? सबा कहाँ है? वो बेचारी किचन में लगी हुई है, इतने मेहमान आए हुए और सोमी मैडम तो अपने कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और हुमा का, उसका तो आपको पता ही है। तुम दोनों बहनें भी मेरी तरह रिश्ते निभाने चले,
अखलाकियत के रास्ते पे चलने लगी हो तुम भी, तो क्या करें? आप ही ने दी थी ना ये तरबियत, क्यों फिर ऐसी तरबियत दी थी अम्मी आपने हमें? दूसरों की तरह हम भी खुद गर्ज हो जाएं। खाना खाएं। मुझे नहीं खाना। अरे वाह, यहाँ तो पहले से ही खाना चल रहा है और वो भी मेरे बगैर अकेले अकेले। क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं अम्मी का ख्याल नहीं रखती? नहीं नहीं, आप ही का घर है, आप ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? अब ऐसा करें, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रख लें। अच्छा अच्छा बना ना अम्मी, बहुत अच्छा। माँ बीबी, क्या हुआ, कोई काम था आपको? नहीं, ऐसा कोई काम तो नहीं था, बस मुझे ना चाय पीनी थी और अम्मा के लिए भी बना दो, और एक्स्ट्रा ना मलाई मार के। दूधपति, अभी तो जी आप सबके सामने बोल रही थी कि आप चाय नहीं पीती। हाँ तो झूठ थोड़ी ना बोला था मैंने, चाय नहीं पीती मैं, वो काली काली सी, जरा बराबर पत्ती डालना उसमें, चिट्टी चिट्टी चाय पसंद, भाई काली थोड़ी होना मैंने। अच्छा जी, चले आप कमरे में जाए, मैं लेकर आती हूँ। और सुनो, फ्रिज में कोई केक वेक पड़ा हो ना तो वो भी ले आना, वो मुझे खाली चाय पीने की आदत नहीं है ना, एक तो मेहमान तुम लोगों ने बुला लिए लेकिन सलीका नहीं सीखा अभी तक। हाँ है बाजी, ऐसी क्या कमी आ गई खाने में, आज का खाना भी कितना अच्छा था। ओ बीबी हल्की आ जाओ, जरा मुलाजमा रहो, मेरे आगे मालकिन बनने की जरूरत नहीं है, दो दिन हूँ थोड़ी खिदमत कर लो, प्लेन केक या जो भी कोई था वो मुझे दे दो साथ, नहीं तो मैं मेहमानताब अंकल तुम्हारी से शिकायत करूंगी, याद रखोगी? बढ़िया है मुझे सिखाने वाली, तरह के भूखे लोग, कुछ भी कर लो, हमारी भाभी जी जैसे नहीं बन सकते। अब बनाओ इनके लिए चाय बिस्किट केक के साथ। ये हुमा और आमिर तक तो ठीक था, लेकिन ये हैदर की सास यहाँ क्यों उठा के चली आई? हैदर, हैदर इज द रीजन एनी, जिसके बलबूते पर ये रिहाब सब कुछ करती फिर रही है। जाकर उठा के ले आई, शक्ल से तो इतनी मजलूम लगती है, जब देखो हाय बेटा कैसी हो, बच्चा ये बच्चा वो बच्चा, कितनी चालाक औरत है ये। मेहताब अंकल इतने रिजर्व लगते हैं, लेकिन अपने अकाउंटेंट की शादी अपने घर पे, बड़ा चेंज है। डैड का तो पूछो ही मत, कभी कभी तो मुझे भी डैड की समझ नहीं आती, पता नहीं कहां से पुरानी रफाकत की मोहब्बत जाग उठी है। लेकिन तुम उन्हें समझा देना, ज्यादा फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, कौन से तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, जल्दी से शादी करें या फारिग करें, कोई इतनी डिजर्विंग फैमिली से नहीं है वो लोग। ठीक कह रही हो, तुम्हें ऐसा ही होगा, ठेका थोड़ी ले रखा है सबका हमने। मामू आपने बुलाया था? मैं तुम्हारी माँ के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहती। जी मामू। ये जानते हुए कि इशरत की बेटी की शादी है और वो हाजरा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तुम अपनी माँ को साथ ले आई हो? मामू वो बीमार है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। भाई उसकी तीमारदारी की, उसकी बीमारी की, उसकी कमजोरी की, उसकी मजबूरी की, ये तुम जिम्मेदार तो नहीं हो है? तुम अब एक शादीशुदा लड़की हो, अगर अपनी माँ को तन्हा अकेला रहने की आदत होने दो, आफ्टर ऑल वो सभा भी तो अपनी ससुराल जा चुकी है, कब तक रखोगी तुम अपनी माँ को? देखो वो इशरत के बेटे को हथिया चुकी है, अब इशरत की बेटी की शादी है, तू उसे बहाना बनाकर यहां ले आई हो, वो भी बीमारी का, शाबाश।
मामू, मुझे इशरत पप्पू की बेटी की शादी से कोई गर्ज नहीं है। मम्मी घर पे अकेली होती हैं, सभा भी चली गई है, सिर्फ इसीलिए मैं उन्हें इधर ले आई। इसीलिए उन्हें ले आई? एक बात सुन लो मेरी तुम, और भले ही ये बात तुम्हें बुरी लगे, कुदरत के फैसलों पे कोई दखल नहीं दे सकता। दौर था जब सबके होते हुए मैं भी अकेला था, तन्हा बिल्कुल, कोई मुझे नहीं पूछता, जाने क्या क्या सहा मैंने। अब ये भी कुदरत का फैसला है, तुम्हारी माँ को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा जिस तरह मैंने किया था। मामू, चाहे जो भी हो जाए, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती, अनार रहेगी ना वो। तो फिर जाओ, अपनी मां के पास चली जाओ, हैदर को छोड़ो और चली, रोका किसने तुम? जाओ जाओ। मामू, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अम्मी अम्मी यहाँ पे मुस्तकिल रहने तो नहीं आई ना, जब ठीक हो जाएंगी तो चली जाएंगी। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? प्रॉपर्टी, जायदाद, फैक्ट्री, ये बिजनेस, ये मेरा है, मेरा मेरा, हैदर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जाना चाहिए तुम्हें, तना है वो, बीमार है, कोई पूछता नहीं उसे, जो खिदमत करो अपनी माँ की, उसकी गोद में बैठ जाओ, अच्छे अच्छे खाने पकाओ उसके लिए, मुंह में डालो उसके टूसो, जाओ आगे। चले आज मेरा भी दिल चाह रहा है कुछ कहने। आप ठीक कह रहे हैं डैड, इसकी माँ को यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्या करेगी वो यहाँ रह के? क्योंकि आप तो अपने खून के रिश्ते, अपने जज्बात की बर्फ तले दफना चुके हैं, और मुर्दे कभी बोला नहीं करते। रिहाब, जो जज्बात बहन और भाई के बीच में होते हैं ना, वो आप कभी जिंदा नहीं हो सकते। मैं ठीक कह रहा हूं डैड? सारी जिंदगी तुम अपनी चालें चलती रहोगी, कामयाब नहीं होगी कभी। तो अब मेरा वक्त आ गया, तुम्हें भी वो सब कुछ सहना पड़ेगा जो मैंने सहा था। हैदर, अगर इसको मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से सारे शेयर दे दिए तो ये तो मुझे आंखें दिखाने लगे। मैं इसे कभी फील नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं होगा।
बस करो। रिहाब, आई सेड स्टॉप इट। तुम्हें क्या लगता है कोई फायदा है तुम्हारे से रोने का? और जो कुछ भी इतने अरसे से होता आ रहा है सब ठीक हो जाएगा तो फिर ठीक है, तुम रो जितना रोना है रो, मैं नहीं रोकूंगा। रिहाब, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। डैड और सोनी के रवैये ने तुम्हें बहुत परेशान किया, मगर अगर तुम चाहती तो मैं तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि अब मैं जिंदा ही ना रहूं? तुम्हें क्या लगा मैं क्या कहने वाला था? बबली, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के साथ जाने का कहने वाला था। और अगर आपको फुर्सत मिल गई हो तो आपका दोस्त आमिर नीचे बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। मैं आता हूँ। आमिर की शेरवानी लेने जाना था, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, अब तुम उसे वादा करो कि तुम रोगी नहीं। हमारे घर में शादी है, हर इवेंट को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करो। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है, याद है ना? जी। प्रॉमिस? अच्छा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो सोमी तुम्हें दे देगी। मेरा निकाह है, मैंने सोचा था आखिरी बार आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा है? कसम से हैदर, मैं एक लफ्ज सच कह रही हूं। बकवास मत करो।
और हैदर नहीं, हैदर भाई बोलो मुझे, समझे? वो तो मेरे भाई जैसे दोस्त की कल बीवी बनने वाली है, कुछ तो ख्याल करो। प्यार का इजहार वो कम से कम तुम्हें अपने बड़े भाई का तो लिहाज होना चाहिए। उसे पता चल गया तुम्हारी हरकत के बारे में तो क्या सोचेगा? ठीक कहती है, रहाब ने आपके ऊपर तावीज डाल रखे और हाजरा मुमानी उन्हें ढोते ढोते बिस्तर पर पड़ गई। बहुत फारक टाइम है ना तुम्हारे पास, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी अकल की। मैंने भी पता सुना तुम्हारे बारे में कि तुम किसी के बस में नहीं आती, अपनी मर्जियां करती फिरती हो, और अगर मुझे आमिर का लिहाज ना होता ना तो कब का तुम्हारे भाई को जगा चुका होता मैं, सब कुछ बताया था तुम्हारी इन हरकतों का। चुप चुप जाओ, चलो जाती हूं। या मेरे मौला, इतने शोर में भी मेरी तन्हाई मुझ पे मुसल्लत है, मुझे इस रौनक में शामिल करने वाला कोई नहीं। हम के रिश्ते इतने कमजोर भी हो सकते हैं, मुझे अंदाजा भी नहीं था। मुझे तो किसी से कोई किला ही नहीं, बेटियां अपने घरों को हो गई, बेटा तूने दिया नहीं, भाई वो भी ना होने के बराबर, फिर भी तेरी मुसल्लतों के आगे दम मारने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं तुझसे सुकून मांगती हूँ, इतने सारे लोगों में मेरी कोई जरूरत नहीं, जब किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, तो मेरा यहाँ रुकने का कोई
बनता ही नहीं है मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। तेरे कंगना खड़कांदी जा, अखियां मटकांदी जा, लंघदी